हाँ हाँ हम कायल बहुत मीठे हैं यार, मजा आ गया ना। यहाँ एप्पल लेके जाऊंगा। यार बाइक में जगह ही नहीं है, लेके कैसे जाएंगे? लेके जाऊंगा, मेरे टैंक बैग में है। ठीक है, मैं भी लेके जाऊंगा थोड़े। हैं? वाइफ और बच्चे के लिए। हाँ बिल्कुल, वो कहेंगे यार हमें भी दिलाओ। बहुत सुंदर, अपने हाथ से तोड़ के खाने का मजा ही अलग है ना। आज हमारा राइड का डे 4 है गाइस, और आज हम लोग जाएंगे रोडू से नारकंडा पहले, और नारकंडा से हम लोग शिमला होते हुए हमीरपुर बिलासपुर तक। आर्यन भाई का हमारे साथ साथ है, बिलासपुर से वो मनाली निकल जाएंगे और कल मनाली से वो ले जाएंगे, और हम लोग हमीरपुर तक साथ है। वहां से हमीरपुर से युवराज भाई होशियारपुर के लिए निकल जाएंगे। तो आज की जो हमारी जर्नी है गाइस वो लगभग होने वाली है 400 किलोमीटर की, और बड़ी अच्छी जर्नी होगी आज की भी। आज हम नारकंडा में जाएंगे हाटू पीक, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला का सेकंड हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट हाईएस्ट पीक पे तो हम आपको पिछले वीडियो में लेके गए चांशल पास, उस टाइम देखिए आप 6:02 हुए हैं। और बस अब मैं तो नहा गया हूँ, फ्रेश हो गया नहा के। अब युवराज भाई गए हैं टॉयलेट वगैरह फ्रेश होने के लिए, वो नहाएंगे और हम लोग अपना सामान वगैरह माउंट करके 7:30 हमने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया है, 7:30 तक हम लोग ब्रेकफास्ट करके 8:00 हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। फ्रेंड्स तो आ गया है ब्रेकफास्ट, और आलू के गर्मा गर्म परांठे बटर पूरन चंद जी लेके आ गए हैं विद बटर एंड कर्ड। ये है तो बस टाइम 8:00 मेरे ख्याल कितना हो गया है ना, टाइम 8:00 है सुबह के। बस अब हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए, बस ब्रेकफास्ट करते हैं अब निकलते हैं। वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लाइट कम है, तो मैनेज कर लेना आप लोग। कैसा रहना? बहुत टेस्टी दोस्तों। यहाँ एक खासियत क्या है, जहाँ हम रेस्ट हाउस में यहाँ रुके हुए हैं, यहाँ आप जैसे ब्रेकफास्ट बन रहा है तो हम 3 लोगों के लिए बन रहा है, तो उससे क्या होता है खाने की जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत बढ़िया होती है यहाँ पे, बहुत टेस्टी अच्छा खाना बनता है। और अपने को जो खाना है वो उनको बता दो, बना देते हैं। बिल्कुल, जिस टाइम खाओ उस टाइम बना दो। हाँ टाइम के भी काफी पंक्चुअल है। आज हमें सुबह बोला था इनको 8:00 तक, तो 8:00 मिलेगा। बिल्कुल, हो गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से रोहडू से। जय माता की, जय माता की, मेहर करना कृपा करना। कोटखाई 52, शिमला 112, पांवटा साहिब 188। आज की हमारी राइड रहेगी, अभी हम लोग जाएंगे नारकंडा, नारकंडा से जाएंगे हम हाटू पीक, जो कि लगभग 11,300 फीट के करीब है। अगर आप लोग रोडू आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ये सर्किट करें जो हम कर रहे हैं। ये रास्ता नारकंडा निकलता है और रोडू से 60 किलोमीटर है, रोडू से टूवर्ड्स आप शिमला रोड की तरफ आते हैं तो 2.5 किलोमीटर आगे से बाइक सर्किट होता है ये रास्ता, बाकी होके टिक्कर होके जाता है और सिंगल रोड है, सीनिक है। देखिए देखिए क्या नजारे, कितनी हाइट पे आ गए हम लोग यार, अमेजिंग अमेजिंग।
ये जो हिमाचल के अंदर अंदर के रास्ते होते हैं ना, ये बहुत सीनिक होते हैं। या आप लोगों ने, आप में से बहुत कम लोगों ने ये देखे हैं रास्ते, इसलिए मैं उन रूट्स पे जाता हूँ जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, ताकि आप नई नई जगह, नई नई डेस्टिनेशंस देख सकें, नई नई लोकेशंस आपको मैं दिखा सकूं। एक बाइकर को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। राइड सच में सक्सेसफुल होती है जब हमें इतने खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। गाइज, आपको कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये नीचे जो बेल आइकन आ रहा है इसे प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो हेलो, अरे 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 अरे, कितने खूबसूरत भेड़े हैं, बकरियां हैं यार, कैसे मकान है यार, कितनी खूबसूरत जगह में बना रखे लोगों ने, पूरी नेचर में। इन लोगों की जिंदगी तो भाई गॉड है, स्वर्ग में रहते हैं ये लोग। ये होते हैं वो नेट्स जिनकी मैं बात कर रहा था, देखिए इस तरह से लगाते हैं इनको। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं एप्पल के पेड़, और उनके ऊपर नेट्स लगाए हुए हैं, तो इनको बोलते हैं नेट्स। देखिए ये दिखते हैं आपको वाइट वाइट जो दूर से मैं दिखा रहा था, लदे हुए एप्पल के पेड़। ये है सीज़न यहाँ का, देखिए इस टाइम कितने खूबसूरत एप्पल्स, पेड़ लदे पड़े हैं एप्पल से, और आप नज़ारा देखिए। इस टाइम हम एप्पल ऑर्चर्ड के बीच में से होके गुजर रहे हैं। इस टाइम हम पहुंच गए हैं पुजारली से, काफी ऊपर आ गए हैं, और नारकंडा के बीच में हैं हम, रोडू से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। हमारे दोनों तरफ इस टाइम ऑर्चर्ड्स, एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, बहुत सुंदर नजारा है गाइस, मतलब सेब जो है वो पेड़ों में लदे पड़े हैं। हमारे जो आर्यन भाई हैं, वो उन्होंने तो तोड़ के खाने भी शुरू कर दिए हैं, और बहुत ही खूबसूरत नजारा है यार। आए हो तो एप्पल का मजा तो लो, है ना, सही में यार। अगर यार, हाँ, अगर यहाँ आके हमने एप्पल नहीं खाया तो हमारे यहाँ आने का फायदा क्या है। और ये देखो, ये रहे एप्पल। हाँ देखिए, आप, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितने नजदीक हैं एप्पल हमारे, ऐसे जस्ट हाथ में आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर नजारा है गाइस। अब मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, आप भी इस व्यू को एंजॉय कीजिए हमारे साथ साथ। देखिए गाइस, मैं भी आपको एक ताज़ा ताज़ा एप्पल तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला तोड़ के दिखाता हूँ, ये एप्पल है। एप्पल खा के मज़ा आ गया, हमने 8-8, 10-10 एप्पल्स घर के लिए भी तोड़ लिए, घर वालों को भी टेस्ट करवाएंगे। बहुत मीठे एप्पल हैं, और इतने फ्रेश की पेड़ से तोड़ कर खाए, ऐसा मौका तो लाइफ में बहुत कम मिलता है यार। काफ़ी देर रुके हम इस जगह पे, लगभग तकरीबन आधा घंटा हम लोगों ने यहाँ स्पेंड किया, पिक्स ली, इंजॉय किया, मस्ती की, मजाक किया, और एप्पल भी खाए। सेब के बगीचे में से देखिए पूरे रास्ते बने हुए हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे हम बगीचों के बीच में से होके निकल रहे हैं, फील ही नहीं हो रहा कि हम रोड पे हैं इस टाइम। अब हम नारकंडा पहुंचने वाले हैं, और देखिए आप
क्या सुंदर नज़ारे हैं और क्या खूबसूरत रास्ता है, घने जंगल के बीच में से निकल रहे हैं और ये लग गया है जाम। देखिए सेब की भरी हुई गाड़ियां हैं, सारा एप्पल सीजन चल रहा है और पता नहीं क्या हुआ आगे, अब जाकर लगेगा पता गाड़ी फंस गई या कुछ। मौसम बहुत ठंडा हो गया है यहाँ पे गाइस, बहुत ठंडा, क्योंकि हम काफी ज्यादा हाइट पे आ गए। ट्रक नहीं चढ़ रहा है, चलो 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 चलो, लोड गाड़ियां हैं सारी सेब की भरी हुई और चढ़ नहीं रही हैं इन चढ़ाइयों में। देखिए कितना लोड लेके चलती हैं और ऐसे ऐसे रास्तों पे, और क्या खूबसूरत रास्ते हैं। पहुंच गया है हाटू पीक पे और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हाटू पीक का एंट्री गेट है। यहाँ से अभी हम लोग एंट्री करेंगे, अंदर जाएंगे, वहाँ पे माता का मंदिर है और वहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर चल के हाटू माता के दर्शन करवाता हूँ। पूरी जर्नी बहुत बढ़िया रही यहाँ तक की और यहाँ पहुँचे हैं, ठंडी ठंडी हवा है, काफ़ी टेम्परेचर यहाँ डाउन है क्योंकि इस टाइम हम तकरीबन 11,500 फीट की हाइट पर आ गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू, नज़ारा बहुत अच्छा है। जैसा चांशल पास से दिख रहा था कुछ कुछ वैसा नज़ारा यहाँ से भी देखने के लिए मिलता है गाइस। यहाँ ये आप इंजॉय कीजिए, यहाँ पे कैंपिंग भी करवाते हैं, ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं। नारकंडा से हाटू पीक तक तकरीबन 7 किलोमीटर का ट्रैक है, तो जो लोग ट्रैक पसंद करते हैं तो वो लोग ट्रैक भी कर सकते हैं यहाँ तक का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एंट्री गेट, देखिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है एंट्री गेट। Thank you.
दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये नीचे जो बेल आइकन आ रहा है इसे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है गाइज, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।